अगल बगल में फॉरेस्ट रेंजर और बीच में स्कूल के बच्चे। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर इलाके की हैं। तस्वीरें देखकर शायद आपको समझ ना आए कि ऐसा क्या हुआ जो बच्चों को हथियारों के साए में स्कूल जाना पड़ रहा है। दरअसल ये उत्तराखंड के नैनीताल का जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास का इलाका है। यहाँ के स्कूली बच्चों पर शेरों के हमले का साया मंडरा रहा है। शेर हमला ना कर दे, इसीलिए फॉरेस्ट रेंजर्स को बच्चों की सुरक्षा में लगाया गया है। ये अनीता देवी है, उम्र 32 साल। अनीता का करगिल पटरानी गांव उत्तराखंड के रामनगर से करीब 30 किलोमीटर दूर है। गरीब परिवार के अनीता लकड़ी बीनने के लिए जंगल गई थी, क्योंकि लकड़ी से उसके घर का चूल्हा जलना था। लेकिन अनीता लकड़ी लेकर वापस नहीं लौटी। अनीता की गुमशुदगी से परिवार में हड़कंप मच गया। तलाश शुरू हुई तो 2 घंटे बाद लहूलुहान अनीता गांव से ही कुछ दूरी पर मिली। अनीता को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। अनीता पर शेर ने हमला किया था। शेर अनीता को अपने जबड़े में दबाकर जंगल की तरफ ले गया। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। घास लकड़ी के लिए हम लोग जंगल तो जाते हैं, पहाड़े लोग हैं, हमें गाय बछिया लकड़ी अकड़ी चाहिए। ये शेर ने ऐसा हत्या कर दिया है। आज तो चलो ये चले गए, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटी है, हमारा ऊपर नीचे गांव से हमारा कॉन्टेक्ट है। ढेला गांव में हमारा रोजगार रहता है या सावल में हमारा रोजगार रहता है। हमें चाहते हैं आगे कोई ऐसी घटना ना हो, सरकार इसके प्रति कुछ न कुछ सोचे। उत्तराखंड में बाघ के हमले से हुई मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। तेंदुए भी 500 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं। उत्तराखंड में 560 बाघ हैं। बाघ के हमले में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 2 महीने में बाघ और लेपर्ड ने 6 से ज्यादा लोगों की जान ली है। 1936 में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। जिम कॉर्बेट के आसपास 12 से 13 गांव हैं जो इन बाघों और चीतों की वजह से प्रभावित हैं। इन गांव की आबादी 12 से 15 हजार है। जिम कॉर्बेट बनाने के बाद कई गांवों को यहां से शिफ्ट नहीं किया गया था। इसीलिए जिन बाघों के साथ फोटो लेने के लिए आप रामनगर के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जाते हैं, वो बाघ आसपास के गांव में खुल्लम खुल्ला घूमते हैं और गांव के लोगों को अपना शिकार भी बना लेते हैं। लोग डरे हुए हैं, अपने खेतों पर भी नहीं जा रहे। सवाल उठता है कि जब शेर ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहे हैं तो फिर वन विभाग के कर्मचारी आखिर क्या कर रहे हैं? वन विभाग का कहना है कि बाघों की संख्या का आंकलन वो करते हैं, ड्रोन कैमरे से उनकी निगरानी रखी जाती है, बाघों के मूवमेंट पर नजर रहती है, जनता को लगातार जागरूक किया जाता है, क्विक रिस्पॉन्ड के लिए सेल है, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट पर रिसर्च के लिए 7 लोगों की टीम है। ग्रामीण इलाके में बाघ पहुंच जाए तो उसका रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा जाता है। अधिकारी कहते हैं सावधानी में ही बचाव है, इसलिए जंगल की तरफ ना जाएं और अपने मवेशियों को भी जंगल के आसपास ना छोड़ें। प्रकृति के अपने नियम हैं और वो धारण क्षमता से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते हैं। आपको पता है कि उत्तराखंड वन विभाग ने भारतीय वन जीव संस्थान के साथ इस पर निरंतर काम किया है। महत्वपूर्ण ये है कि बाघों का जो वासस्थल है यानी जो जंगल है और उनके आवागमन के जो रास्ते हैं यानी जो कॉरिडोर हैं, उसके बारे में जानकारी जनसाधारण में भी हो और विशेष रूप से जाड़ों के समय में ये सावधानी बरती जाए। चलिए अब आपको यूपी के पीलीभीत टाइगर रिजर्व लेकर चलते हैं। ये पीलीभीत का पिपरिया संतोष गांव है। यहाँ शेरों ने रिजर्व से निकलकर गन्ने के खेतों में डेरा डाल लिया है। गांव में शेरों की चहलकदमी से जबरदस्त दहशत है। पिछले 4 महीने में 4 लोगों की जान बाघ ले चुके हैं। किसान खेत में नहीं जा रहे तो बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। यहाँ तो कई दिनों से बाघ का आतंक भी चल रहा है और इधर जमिया गांव उधर मार भी चुका है 2 लोगों को, और दिन में और क्या रात में हर समय बाघ का भय है इस क्षेत्र में। बहुत डर लगता है, वहाँ पे अगर रात को सोते हैं तो बहुत
घबरा जाते हैं, बच्चे आते नहीं है, बस्ती में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने स्टाफ के साथ बैठ के ये डिसीजन लिया है कि हम अपने साधन से जब ये चहलकदमी होती है तो बच्चों को घर घर जाकर के लेके आते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 72,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। 2014 में रिजर्व बना तब 25 बाघ थे, 2018 में बाघों की संख्या 65 हो गई, अब यहाँ 75 से ज्यादा बाघ हैं। रिजर्व को 5 रेंज में बांटा गया है। वन विभाग के साथ मिलकर बाघ मित्रों की टीम मॉनिटरिंग करती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद शेर ग्रामीण इलाके में शिकार कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये बाघ जंगल से बाहर खेतों का रुख क्यों कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट की टीम ने जब इसकी पड़ताल की तो पूरा मामला साफ हो गया। दरअसल रिजर्व के कोर जोन में एंट्री बैन है, लेकिन गांव के लोग जंगल में लकड़ियां और मौसमी सब्जियां लेने चले जाते हैं। मशरूम और महंगी घास को काटा जाता है। आरोप है कि मौसमी सब्जियों की तस्करी वन विभाग की मिलीभगत से होती है। दूसरे वन्य जीव भी जब जंगल से सटे खेतों में गेहूं धान की फसल से पेट भरने आते हैं तो जंगल का राजा भी उनके पीछे शिकार की खोज में चला आता है। घास की कटाई के चलते जंगल में ग्रासलैंड की भी कमी है। तो बाघ के लिए सामान्यतः वो एक गन्ने का क्षेत्र होता है, वो ग्रासलैंड के प्रकार का ही होता है, तो बाघ अक्सर उसमें आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है जब एक्सीडेंटली कोई आदमी उस बाघ से टकरा जाता है तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। 2014 से लेके अब तक बाघ 39 लोगों की जान ले चुके हैं। 622 स्क्वायर किलोमीटर बाघ का कोर एरिया है। एक बाघ 90 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मूव करता है। टाइगर रिजर्व में फेंसिंग की भी कमी है। फेंसिंग के लिए 25 लाख का प्रस्ताव रखा गया है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का कहना है अगर जंगल के आसपास 2 दर्जन गाँव में 8 फीट की फेंसिंग कर दी जाए तो फिर गाँव के लोग जंगल में नहीं घुस पाएंगे और ना ही वन्य जीव जंगल से बाहर आ पाएंगे। टाइगर रिजर्व में एक प्रॉब्लम और है कि यहाँ टोटल ओपन कैनोपी का सिर्फ 8% ग्रासलैंड है, जिसका कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो नई टेरिटरी बनाने के लिए उसे जंगल से बाहर आना पड़ता है। तो जंगल से जब वो बाहर आता है तो जंगल की बाउंड्री से पेरिफेरी से लगी हुई उसको गन्ने की खेती मिलती है और पूरी चेन है। तो टाइगर को जंगल में और गन्ने के खेत में कोई फर्क नजर नहीं आता।